थाईलैंड का सफर इसी के साथ खत्म होता है। हम लोग है बैंकॉक के एयरपोर्ट पे राइट नाउ। फिलहाल रोनिता शर्मा क्या प्लान है यहाँ से? पता नहीं मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ। थक गए हो? हाँ। तो अभी हम लोग ने बोर्डिंग पास उठा लिया है अपना और इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इमिग्रेशन जैसे ही हो जाएगा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफर था, 1.5-2 घंटे का ड्राइव है वैसे भी पटाया से बैंकॉक एयरपोर्ट फिर से आने का। तो ये सब क्लियरेंस करके फिर मिलता हूँ थोड़े टाइम में। पैसे किनके हो गए? चलो फिर। तो रोनिता ने फिलहाल ये ले लिया है आम और चावल। आम और चावल कौन खाता है रोज? मैं। मैंगो और स्टिकी राइस बोलते हैं इसको। ये मैं लास्ट टाइम भी आया था ना बैंकॉक एयरपोर्ट, ये तब भी इधर था और आज भी इधर है इतने सालों बाद। आज तो बाल बाल बच गए। क्या बाल बाल बच गए? क्या मेरे को तो आज लगा इमिग्रेशन वाले धरने वाले मेरे को। बक क्यों? तो फाइनली हम लोग थाईलैंड से निकलने के लिए तैयार हो गए। और ये थाईलैंड वाला ट्रिप ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है थाईलैंड वाले ट्रिप ने मुझे आते वक्त भी रुला दिया है और जाते वक्त भी नियली रुला दिया है। तो सीन ये हुआ कि आते वक्त इतनी टर्बुलेंट फ्लाइट थी कि मेरे आँखों से आंसू गिर गए। मतलब और आप लोगों को तो पता ही है मेरे फ्लाइट ने पूरा 4 घंटा 4.5 घंटा भाई बहुत ही लिए फ्लाइट। और मेरा तो फ्लाइट के साथ 36 का आंकड़ा आप लोगों को तो मालूम ही है। अभी निकलते वक्त एग्जिट के वक्त दूसरा सीन ये हो गया कि अचानक से इमिग्रेशन ऑफिसर बोलते हैं ये वाला स्लिप किधर है। मैं बोला कौन सा वाला स्लिप? बोलता है ये वाला स्लिप, इसका स्लिप दिखा के। और ये निकल गई मोहतरमा आगे, पर मैं आई ना तुमको ढूंढने। अब जैसे ही देखो पासपोर्ट में स्लिप ही नहीं है। तो बेसिकली जब आप कंट्री एंटर करते हो तो वो एक स्लिप होता है जो आप फॉर्म फिल करके देते हो इसका इमिग्रेशन में, वो आपको एक पार्ट दे देते हैं रखने के लिए कि जाते हुए दिखाना, और वो मिल रहा ही नहीं है। लकीली ये इमिग्रेशन के बाद खड़ी थी वहाँ पे और इसने बोला कौन सा स्लिप, और इसके बैग में मिल गया वो स्लिप। खैर ये सब स्ट्रेस वाली चीज़ें हटाते, अभी हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, नया कंट्री नया ब्लॉग। फिलहाल इधर अमीरों के चौसले दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, तो हम लोग भी जरा चेकआउट करते हैं। काठमांडू नेपाल, बाहर दिखाता हूँ।